एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर नंबर थर्ड। सिलेबस तो इस बार हम लोगों ने कंप्लीट नहीं कर पाया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ज़रूर सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पेपर्स मिल गए थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो चुके हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इन पेपर्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर किस तरीके से था ये देख सकते हैं, आपको थ्री आवर्स का ये पेपर था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 मार्क्स थे। जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स पेपर थर्ड था आपका, ठीक है, पेपर थर्ड। ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी कि सारे क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मोर देन 100 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना है, और बचे हुए चार क्वेश्चन जो हैं उसे 800 वर्ड्स में लिखना है। टोटल इसमें आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसको 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको आपको क्या करना है, 100 वर्ड्स में लिखना है, जो 3-3 मार्क्स के हैं, और टोटल 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात की जाए अगर क्वेश्चन की, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में लिखना था वो टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखना था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस आप सब जानते हैं कि जब किसी हेट्रोजाइगस का क्या करता है क्रॉस, आप उस के रिसेसिव होमोजाइगस से कराते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसी को आपको, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसी को आपको लिखना था। सेकंड क्वेश्चन आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में लिखना था कि किस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है पाए जाते हैं, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में आपको बताना था, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो स्यूडो अलील्स क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट तो ऐसा करते हैं कि वो क्या हैं, अलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म को कहा जाता है। जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम हो गया, इसके अल्टरनेटिव फॉर्म को इसको एलील कहा जाता है, जिसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो ये ऐसा शो करेंगे कि यहाँ पे भी एलील है और यहाँ पे भी एलील है, लेकिन रहता सिर्फ एक ही पे, तो इसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। मूव किया जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर आपको हेलिकेज और टोपोइसोमेरेज के बारे में लिखना था। तो अगर आपने रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपने वहाँ हेलिकेज जो अनवाइंडिंग के लिए, टोपोइसोमेरेज जो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट की बात की जाए तो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। अगर मूव करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ दो ऑप्शन आपको दिए गए थे, या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए या और करके दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसे कर लीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताना था मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जो मेंडल्स के दोनों लॉ थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और एक उनका हाइपोथेसिस था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बारे में आपको बताना था, और डिफ्रेंशिएट करना था मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में कि किस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है। फिर आपको बताना था व्हाट इज क्रोमोसोमल मैपिंग, क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होता है इसके बारे में, और हाउ इट इज़ यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक लिंकेज, जेनेटिक लिंकेज को पढ़ने के लिए इसका यूज कैसे किया जाता है। तो इन दो क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन करना था। बात की जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको भी फिर से दो ऑप्शन मिले हुए थे, या तो आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए जो कि 15 मार्क्स का था, या दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए। पहले में आपको करना था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक इंटरैक्शन, जेनेटिक इंटरैक्शन जो डिफरेंट टाइप के होते हैं कैसे होते हैं, और हाउ डे इम्पैक्ट द फिनोटाइप एक्सप्रेशन, और ये फिनोटाइप एक्सप्रेशन किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। बात की जाए अगर सेकेंड क्वेश्चन की, तो इसमें आपको लिंकेज और उनके टाइप्स के बारे में बताना था कि किस तरीके से अगर 50 सेंटीमॉर्गन के अंदर पाया जाता है कोई चीज़, तो क्रोमोसोम तो लिंकेज शो करता है, ये लिंक हो जाता है, क्रॉस हो जाता है इसके बीच में, और उनके टाइप के बारे में बताना था, कोडोमिनेंस बताना था कि किस तरीके से कोडोमिनेंस होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये आपके जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, उनकी हाइपोथेसिस थी, उसके ये सब क्या थे, उसके डेविएशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मूव किया जाए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको फिर से दो ऑप्शन दिए गए थे, पहला क्वेश्चन ये था आपका 15 मार्क्स का, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था 15 मार्क्स का, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन में क्या डिस्कस करना था, पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करना था
डिस्कस इन डिटेल अबाउट क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में और देयर इफेक्ट ऑन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड डिजीज, उसका इफेक्ट क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर या डिजीज पे, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में बताना था कि यू क्रोमेटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन तो मैं आपको बता दूँ। इस तरीके से आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर के पास और यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ सब क्या पाया जाता है आपका यू क्रोमेटिन पाया जाता है, और यहाँ बीच में इस सब तरफ क्या पाया जाता है हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में बेसिकली आपको डिफरेंस बताना था। और फिर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट या जिसे जंपिंग जीन कहते हैं उनके बारे में बताना था कि वो प्रोकैरियोट में किस तरीके से वर्क करते हैं। मूव किया जाए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे आपको फिर से दो ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से आपको जीन थेरेपी के बारे में बताना था। पहले क्वेश्चन में डिस्कस करना था जीन थेरेपी क्या होती है, जिसमें ADA जीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीन थेरेपी इसके एप्लीकेशन और रिस्क एथिकल कंसिडरेशन के बारे में आपको बताना था कि किस तरीके से इसके क्या एप्लीकेशन है और किस तरीके से इसको रिमूव किया जाता है या हटाया जाता है उसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना था डिटेल में अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में इन बैक्टीरिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन। इसमें आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन जो बैक्टीरिया में आप पढ़ते हैं उसके बारे में बताना था। होप ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए और लेक्चर्स के लिए MSc के। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।